आपके लिए लाया है एक्सक्लूसिव विजुअल्स। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार किसानों ने रोहद टोल नाका क्रॉस कर लिया है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हैं वो किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पूरा इंतजाम है, रात में रुकने का, खाने पीने का, टेंट वेंट की व्यवस्था भी कर रखी है। ट्रॉलियों को पूरी तरीके से ट्रकों में भी किसान हैं। और इससे पहले ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं ये केएमपी के ठीक नीचे का दृश्य है। आशोदा मोड़ की तरफ यहाँ से रास्ता जाता है, कुछ दूर से आगे भादुरगढ़ बाईपास शुरू हो जाएगा, उसके बाद भादुरगढ़ बाईपास होते हुए सारे किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुँचेंगे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का और दिल्ली पुलिस का आमना सामना हो सकता है, वहाँ टकराव ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रोहद टोल पर भी किसानों को रोकने की चेष्टा की गई लेकिन किसानों ने पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे। किसानों की एक ही डिमांड है कि MSP उनका बहाल किया जाए। किसान अपने MSP की बहाली की मांग को लेकर ही लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 3 कृषि अध्यादेशों में MSP की गारंटी नहीं दी है सरकार ने, इसलिए जब तक MSP की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान अपना संघर्ष जारी रखेंगे। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी बाधा से डरे हुए, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, किसान रात भर अपनी यात्रा देखिए। किसान को चोट भी आई है, पुलिस से संघर्ष में हो सकता है कि चोट आई है, क्योंकि रोहद टोल पर रोकने का प्रयास किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। चलिए सीधे किसानों से बात करते हैं। आप कहां से आ रहे हैं? रुकेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे, कोई परवाह नहीं, क्या पुल बना दे, पुल भी तोड़ देंगे हम लोग। तो रास्ते में रोकने का प्रयास किया हो पुलिस ने? कुछ भी रोके, बहुत रोका जी, हमको मिट्टी भी डाला उन्होंने, उन्होंने हाथ के साथ ही बजरी डाला, ट्रैक्टरों के साथ हमने पीछे कर दिया। अब दिल्ली में आप आने वाले हो, कुछ किलोमीटर दूर ही है यहाँ से दिल्ली, थोड़ी बहुत दूर दिल्ली है, तो दिल्ली पुलिस रोकेगी? ट्रैक्टर नहीं हमारा, ट्रैक्टर नहीं हमारा, खाने पीने के इंतजाम हैं आप लोगों के पास? राशन पानी लेके आए हैं। दिल्ली में कितने दिनों का संघर्ष के? मोदी हार खानी सबको एक वो है कि क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या किसान डिमांड जो 3 RD ने पास किया वो वापस कराने की है, वो वापस करवा के जाएंगे। बिजली का बिल जो किया है वो वापस करवाएंगे। मोदी ने गलत बंदा ले लिया पंजाब के साथ, और हमारे साथ हर बार ये बितकरा करता है, अभी भी करेगा। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों की है, और पंजाबियों की 1% भी कदर नहीं करता। वो फिटे लाते प्रधानमंत्री पर, और ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने यहीं पर अब ना रुकेंगे ना रुकेंगे, सीधा जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी का घमंड तोड़ने की बात किसान कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी ये किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, और हर सूरत में अपना हक लेकर रहेंगे। किसानों की डिमांड सीधी सीधी एक ही है, MSP जो है उनका सुरक्षित होना चाहिए, MSP का चौथा कानून लाना चाहिए, या फिर 3 अध्यादेश वापस होने चाहिए। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अडानी अबानी ने जो उनका बाइकॉट होना चाहिए वो हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे उनको। अडानी और अबानी सुन ले, उनको हम नहीं घुसने देंगे पंजाब में। जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान डिमांड लेकर अपनी आगे बढ़े हैं। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि किसान किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे, चाहे कोई भी रोकने वाला हो। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर ट्रोलियां लगातार सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रोलियां पंजाब से और हरियाणा और पंजाब के जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ से लगातार आगे बढ़ रहे हैं किसान। यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली बॉर्डर शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टरों की संख्या जितनी भारी संख्या में ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी रोकना इनके लिए बड़ी मुश्किल
काम होने वाला है और ये टकराव बड़ा भीषण रूप भी लेने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का मूड है, किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे 6 महीने लग जाएं, दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में घुसेंगे और दिल्ली में रहकर ही मोदी का, प्रधानमंत्री का, सरकार का, उनका घमंड दूर करेंगे। लगातार ये जो बातें हैं किसानों की, इन बातों से साफ साफ ये दिख रहा है कि किसान संघर्ष के पूरे मूड में है और किसानों को रोकने का इस बार सरकार किसानों को नहीं रोक पाएगी। पुलिस और प्रशासन जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं, रोकने के तमाम इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में पंजाब से चलकर ये किसान आए हैं, रास्ते में कई पुलिस नाके भी पड़े होंगे, उन पुलिस नाकों को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। किलोमीटर का सफर तय करते हुए किसान अब दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर हैं। पुलिस तमाशबीन बन गई है, क्योंकि पुलिस ने पहले काफ़ी कोशिश की इन किसानों को रोकने के लिए, लेकिन पुलिस रोक नहीं पाई और किसान अपने इरादे पर कायम किसान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अपनी मेहनत से, खून पसीने से धरती का सीना चीर कर लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान अब दिल्ली की चौखट पर पहुँच गया है और दिल्ली में भी घुसने के अपने इरादों को लेकर आगे बढ़ रहा है और दिल्ली में घुसेंगे कह रहे हैं सारे। आप देख सकते हैं सीधे ट्रैक्टर स्टोरियम में बैठकर अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।